इस वक्त विज्ञान भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल किसान जब जब सरकार से मुखातिब होने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं, तब तब वो अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर आते हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार खाने के लिए, चाय के लिए ऑफर किया गया, लेकिन किसान कुछ भी नहीं लेते और सबको अपने साथ ही लेकर आते हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मौसमी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि पांचवें दौर की आज ये बातचीत हो रही है, पेच कहां पर फंसा हुआ है कि बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा? बड़ी दिलचस्प बात चित्रा आपने की, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज के दौर की बैठक जो है वो लगभग 2 बजे शुरू हुई है, यानी कि लंच ब्रेक को स्किप करके ये बैठक शुरू हुई है। परमिंदर, इधर आइए, जरा दिखाइए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पे। जो बैरिकेड है वो लगा हुआ है, और बता दें चित्रा कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक का ऐलान किया है, उसके मेंबर्स यहाँ पे। आप बताइए कि कितने बस, ट्रक और कितनी टैक्सी कैब, क्या ओला उबर, ये सारे लोग प्रभावित होंगे, ये सारी गाड़ियां प्रभावित होंगी। देखिए, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भारत वर्ष की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की इकाई है, जिसमें 90 लाख ट्रक और 15 लाख बसें व कई लाख टैक्सी मेंबर हैं। फिलहाल इन किसानों की ये प्रॉब्लम देखते हुए, जो भारतवर्ष को फीड करते हैं, हमारे देश का नारा रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, जय जवान जय किसान। लेकिन बहुत दुख होता है ये देख कर कि किसान को अपना दुख दर्द या अपने विरोधी कानून का विरोध करने के लिए सड़कों में माओ बहनों बच्चों और बुजुर्गों को लेकर आना पड़ा। हम पूर्ण तरीके से इनके समर्थन में है। फिलहाल हमारी नॉर्थ इंडिया की इकाई सबसे पहले, जो ऑल इंडिया मोटर, वो 8 तारीख को सांकेतिक हड़ताल और बंद के साथ जाएगी। उस दिन सड़क पे कोई ट्रक, टैक्सी, बस, टेम्पो, ऑटो कुछ नहीं चलेगा, पूरे तरीके से इनका समर्थन होगा। केंद्र सरकार से हमारी भी अपील है कि इनके साथ फौरन समाधान किया जाए इनकी समस्याओं का, समाधान किया जाए। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है संशोधन से भी मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम यात्री हमने देखे सड़क पर, उनको यातायात में बहुत समस्या हो रही है। फैक्ट्रियां हैं कुंडली में, 1500 फैक्ट्रियां सब बंद है, तो काफी लॉस हो रहा है देश को भी। एवरीबडी इज सफरिंग। तो उसमें अब ये है कि जैसे हमारे किसानों की यूनियन जो फैसला लेगी, हम लोग उनके साथ हैं। जैसे जैसे उनका डिसीजन आएगा, हम उनके साथ हैं, उनके साथ। एमएसपी लिखित तौर पे दे दे तो मान लेना चाहिए किसानों को। देखिए, किसानों की डिमांड यही है कि हमें आप कानून के अंदर एमएसपी दें, तो मेरे हिसाब से ये एक पहला अच्छा कदम होगा सरकार का। बाकी फैसला अंदर जो किसान मीटिंग कर रहे हैं उन्होंने लेना। ये फैसला कैसा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि किसान नेता जो है जमीन पर बैठे हैं, लंच अपना घर से लेके आए, सिंघू बॉर्डर से उनका लंच आया। अपने आप में ये तस्वीर देश को एक अलग बात कहता है कि ये वो लोग जो है अपने सरकार का नमक नहीं खाएंगे। देखिए, ये इससे ज्यादा शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्या हो सकता है कि पंजाब से चल के लाखों को वो किसान आ रहे हैं और एक साइकिल रिक्शा तक को नुकसान नहीं होने दिया। और वो जिस तरीके से हम कहते हैं कि वो अन्नदाता है, और अन्नदाता के साथ जब तानाशाही होगी तो हमारे जैसे लोग जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ऑपरेटर है, हम ये मान के चलते हैं कि बिना हमारा और उनका एक नखून और मांस का रिश्ता है किसान भाइयों के साथ, तो हम जो है हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और ये उनको बतलाने आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं सर, तो उनको ये करने आए हैं कि भाई कितने संगठन है, जरा बताइए दर्शकों को कितने संगठन है। संगठन हमारे साथ है 34 जो एनसीआर की मेन नॉर्थ इंडिया की एसोसिएशन है, सबके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। कुछ गाड़ी हमारी सिंधु प्रेसिडेंट है अपने अपने सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, हम किसी उनको तो लाए नहीं मेंबर्स को। और एक गाड़ी हमारी भर के पूरी बस सिंधु बॉर्डर गई हुई है, एक गाड़ी यहाँ पर रोक दी गई है, इस बैरियर पे हमारी सिर्फ एक गाड़ी अलाउ की गई है। हमने अपना मकसद पूरा करना है समर्थन का, कि हमें सिर्फ समर्थन देना है किसानों को, उनकी मांग को जो जायज मांगे हैं उसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करते हैं मोदी सरकार को कि वो मानी जाए और उनको जल्द से जल्द सड़कों से उठाया जाए। और जो हमारा इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो रहा है, अगर वो फसल नहीं काटे का नुकसान हो गया आपका, कम से कम 3000 करोड़ का रोज का नुकसान, 3000 करोड़ का नॉर्थ इंडिया का है। अगर ट्रक में गेहूं नहीं लदा जाएगा, साग नहीं भरेंगे, सब्जी नहीं भरेंगे, पंजाब से घी मक्खन तेल क्या नहीं आता, सब कुछ रुका हुआ है इस समय, सब कुछ रुका हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट तो ऑटोमेटिकली 80% खड़ी करवा दी गई है। और किसान अगर ऐसे सड़कों पर बैठे रहे तो ये हड़ताल करे ना करे, 100% ट्रांसपोर्ट अपने आप ही रुक जाएगी।